इस एक्सट्रैक्ट के लास्ट पार्ट में नेल्सन मंडेला ने अपने पुराने दिनों की यादों और भावनाओं को व्यक्त किया है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला के अनुसार हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसकी दो जिम्मेवारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहली तो जिम्मेवारी होती है अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने वाइफ और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। उसकी दूसरी जिम्मेवारी होती है अपने समाज के लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। इस पैराग्राफ में अगर आप ध्यान देंगे तो ट्विन ऑब्लिगेशंस, टू ऑब्लिगेशंस नहीं है, ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं। टू ऑब्लिगेशंस का मतलब दो जिम्मेवारियां जिनको हम आगे पीछे निभा सकते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब है दो जिम्मेवारियां जिसका निर्वाह हमें एक साथ करना पड़ता है इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि किसी भी अच्छे और इंसानियत पर आधारित सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर इंसान अपनी दोनों जिम्मेवारियों का निर्वाह कर सकता है अपनी क्षमताओं के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर। मेरे जैसे लोग जो पैदा हुए थे या होते थे, या मेरे कलर के जो लोग होते थे, उनके लिए ये लगभग असंभव था टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि वो अपने दोनों जिम्मेवारियों का निर्वाह कर सके। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में मेरे कलर का कोई आदमी अगर इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता था तो उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, दूर कहीं किसी एकांत जगह में कैद कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। साउथ अफ्रीका जैसे देश में अगर कोई आदमी अपने समाज के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना भी चाहता, देन ही वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट। निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को उसके परिवार और उसके घर से जबरदस्ती ही अलग जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, बड़ा अजीबो गरीब वहां का माहौल था। ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, बड़ा अजीब तरह का माहौल था, अजीबो गरीब दोहरी नीति का माहौल था रेबेलियंस के बीच और वहां की सरकार के बीच, बड़े गुपचुप तरीके से। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली। शुरुआत में तो मैंने अपने समाज के लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, यानी पहले तो समाज को मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने सोचा पहले परिवार की जिम्मेवारियां पूरी करूंगा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने बेहद लोगों के लिए भी कुछ करना चाह रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड अ हस्बैंड। तो मैंने ये महसूस किया, यहाँ माई पीपल का मतलब है अपने बेहद खास लोग यानी परिवार के लोग, तो जब मैंने उनके प्रति भी अपने जिम्मेवारियों को पूरा करना चाहा, एक सन के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर या एक हस्बैंड के रूप में, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उस जिम्मेवारियों को पूरा करने से भी रोका जा रहा। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ नेल्सन मंडेला सेज, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्रता या आजादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र पैदा ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से जितना भी मुझे पता था मैं बिल्कुल फ्री था, मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ के घर के सामने वाले फील्ड में दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, बहते हुए साफ पानी के झरने में तैरने के लिए। दैट रैन थ्रू माई विलेज, उस झरने में जो कि हमारे गांव से होकर गुजरता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, खुले आसमान के नीचे बैठ के भुट्टे पकाने के लिए। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, या फिर धीरे धीरे चलने वाले स्लो मूविंग बुल्स के पीठ पर की सवारी करने के लिए। हर कुछ में मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ऑबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब,
उस समय तो बस मैं इतना ही जानता था कि मैं अपने फादर की बात मानता रहूं और हमारे ट्राइब के जो रीति रिवाज हैं उनका पालन करता रहूं। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तब तक मुझे न तो किसी आदमी या गॉड के कानून की परवाह थी। इस लास्ट सेंटेंस में नेल्सन मंडेला ने अपने बचपन की बात की है और बचपन तो स्वतंत्र होता ही है। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन वेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। ये तो तब जाके हुआ, ये फ्रीडम के लिए जो हंगर है, स्वतंत्र रहने की जो भूख जागी, वो तो तब जागी जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बचपन के दिनों का वो फ्रीडम तो वो एक धोखा था। जब मैंने ये महसूस किया कि मेरा फ्रीडम यंग मैन के रूप में, जब बड़े होने पे थोड़ी अपनी सोच आई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा फ्रीडम तो मुझसे पहले ही छीना जा चुका है, और तब जाके मेरे अंदर ये भूख जागी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले ये भूख जागी एक स्टूडेंट के रूप में। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तब मुझे आज़ादी चाहिए थी अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चूज। उस समय तो मेरे लिए बस इतना ही काफी था, बस थोड़ी सी आज़ादी चाहिए थी। मुझे इतनी आज़ादी चाहिए थी कि मैं रात में देर तक घर से बाहर घूम सकूं, वो पढ़ सकूं जो मैं पढ़ना चाहता था, जिससे मुझे खुशी हो, अपनी मर्जी से पढ़ूं, एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं जाना चाहता हूं वहां जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई यर्न फॉर द बेसिक अनऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। उस समय तो बस मेरी लालसा थोड़ी सी की थी, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए था, बेसिक जरूरतें, बेसिक अधिकार, और साथ ही साथ कोई मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करे, बस इतनी ही आज़ादी चाहिए थी। मुझे बस इतनी आज़ादी चाहिए थी कि मैं अपनी क्षमता के अनुरूप हासिल कर सकूं, जितना मुझे चाहिए था उतना कमा सकूं, मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूं और मेरा परिवार हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और मेरे समझ से किसी भी लॉफुल लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, उसमें इतनी आज़ादी होती है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। बाद में मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं फ्री नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपने भाइयों को देखा, मेरी बहनों को देखा, और वो भी फ्री नहीं थे, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कटेड। मैंने तब महसूस किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा फ्रीडम उससे छीना गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। बल्कि तब मैंने महसूस किया कि वो सारे लोग जो मेरी तरह दिखते थे, उन सबके फ्रीडम छीन लिए गए हैं। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने जाकर ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब जाकर के मेरी अपनी जो पर्सनल भूख थी, अपने फ्रीडम की भूख थी, वो बदल गई। अब वो बड़ी भूख हो गई थी, एक बड़ा फ्रीडम का भूख जागा था, और वो बड़ा फ्रीडम क्या था, पूरे कंट्री में सारे ब्लैक पीपल का फ्रीडम। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यही डिजायर, मेरी यही इच्छा, इसी यही इच्छा कि हमारे कंट्री के जितने भी हमारे जैसे लोग हैं, ब्लैक पीपल हैं, वो अपनी लाइफ डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जी सकें, इसी इच्छा से मुझे प्रेरणा मिली, इसी से मैं हमेशा एनिमेटेड रहा। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। यही वो इच्छा थी जिसकी वजह से मेरे जैसा एक डरा हुआ यंग मैन एक साहसी निडर पर्सनालिटी में बदल गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। इसी भावना ने मेरे जैसे एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। हमारी यही इच्छा थी जिसकी वजह से
एक फैमिली लविंग हस्बैंड, अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड एक ऐसा आदमी बन गया जो होमलेस हो गया। दैट फोस्टर लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और मेरे जैसे लाइफ लविंग आदमी को हमारी इसी इच्छा ने एक मॉन्क बना दिया, संतों जैसी जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे बाध्य कर दिया। यहाँ अभी जस्ट पहले मैंने एक सेंटेंस एक्सप्लेन किया, मैं उसको री एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो सेंटेंस है दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। क्रिमिनल नॉट लिटरली अ क्रिमिनल, ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि नेल्सन मंडेला कोई क्रिमिनल बन गए थे, बैड एलिमेंट बन गए थे। नो, उस समय अपनी आवाज़ उठाना, साउथ अफ्रीका में जब वाइट रेस की गवर्नमेंट थी तो ब्लैक पीपल अगर अपनी आवाज़ भी उठाते थे तो इसे भी क्राइम डिक्लेयर किया गया। ऐसा नहीं था कि नेल्सन मंडेला सचमुच में बैड एलिमेंट या क्रिमिनल बन गए थे, लेकिन वो ब्लैक कम्युनिटी से थे और ब्लैक कम्युनिटी के लीडर थे, अपने स्वतंत्रता के अधिकार की बार बार मांग कर रहे थे, तो अंग्रेज सरकार वाइट पीपल इनसे डरी हुई थी और इन्हें क्रिमिनल उन लोगों ने घोषित कर दिया था, जिसमें कि इन्हें कैद कर सकें या इन्हें दूर रख सकें कम्युनिटी से, जिसमें कि वाइट पीपल के खिलाफ बहकाने वाला कोई भी इंसान पब्लिक के बीच नहीं रह सके। मंडेला कंटिन्यूज टू से, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं भी आम लोगों की तरह हूँ, दूसरे लोगों से ज़्यादा न तो मैं धार्मिक और नेक हूँ और न ही मैं बार बार खुद की कुर्बानी देने वाले जैसा इंसान हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने देखा दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैंने ये पाया कि जितना कम से कम फ्रीडम भी होना चाहिए था मैं उतना भी इन्जॉय नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री। मैं, मेरे पास जो भी फ्रीडम था मैं उसे भी इन्जॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं हर रोज़ देख रहा था कि मेरे जैसे दूसरे लोग, मेरी कम्युनिटी के दूसरे लोग, वो फ्री नहीं हैं, उनके पास फ्रीडम नहीं है, तो मुझे मेरा अपना फ्रीडम भी बुरा लग रहा था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, क्योंकि फ्रीडम का बंटवारा नहीं हो सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर हम लोगों में से हमारी कम्युनिटी का, जो कि इस प्रिजुडिस और अपार्थाइड का शिकार था, वैसा एक भी आदमी अगर चेन किया हुआ हो, बंधा हुआ है, तो समझो कि ये चेन उस एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि उस कम्युनिटी के सारे लोगों का है, पूरी सोसाइटी का है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और मेरे लोगों में से किसी के ऊपर भी चेन होना उनकी गुलामी के जंजीर में जकड़े रहने का मतलब था कि मैं खुद भी आज़ाद नहीं था, मैं खुद भी, मेरे पास खुद भी फ्रीडम नहीं था। वो दूसरों का चेन, मेरे जैसे किसी भी लोग हमारे कम्युनिटी के किसी भी आदमी की आज़ादी अगर छीनती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी स्वतंत्रता छीनी जा रही हो। इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मुझे इस बात का एहसास था कि ऑपरेसर, दैट मीन्स अत्याचार करने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड, उन्हें भी आज़ादी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। आज़ादी जितना अत्याचार के शिकार लोगों के लिए जरूरी थी, उतना ही अत्याचार करने वालों के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता छीनता हो, वो भी एक तरह का कैदी है, वो कैदी है हैट्रेड का, घृणा का। हिज लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो अपनी ही संकीर्ण मानसिकता, छोटी मानसिकता और प्रेजुडिस, भेदभाव का शिकार है, उसके सिकंजों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। अगर हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीनते हैं तो सत्यता ये है कि हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल वैसा ही, जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई तो मुझे फ्रीडम का अनुभव नहीं होता था, वैसे ही अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता भी छीन लूँ तो भी मुझे फ्रीडम का एहसास नहीं होगा। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यहाँ ऑपरेसर
और ऑप्रेस्ड जैसा कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट ऑपरेशर भी और जो ऑपरेस्ड है जिस पे अत्याचार हुआ वो भी और जिसने अत्याचार किया वो भी, दोनों को मानवता से छीन लिया गया या मानवता से अलग कर दिया गया। अत्याचार करने वाला भी और अत्याचार सहने वाला भी, उसका मानवता से नाता टूट जाता है। दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर।